हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एच लुकअप एंड वी लुकअप टेबल्स के बारे में, किस तरीके से काम करते हैं। एक एच लुकअप ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हमें आंसर देता है, और वी लुकअप हमें वर्टिकली हम उसको टेप कॉलम और रो में हम उसको ढूंढ सकते हैं जो भी हमें चाहिए। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस के बारे में, लाइक एब्सोल्यूट फंक्शन, कंबाइंड फंक्शन, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम इस लेक्चर में हम कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो एब्सोल्यूट फंक्शन जैसे कि कोई भी नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो एब्सोल्यूट फंक्शन की हेल्प से वो पॉजिटिव ही रहेगा। लाइक 16 है तो वो 16 का 16 ही रहेगा अगर हम उस नंबर पे एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करेंगे। तो अगर वो -16 है तब भी हम उस पे अगर एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव नहीं रहेगा। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, 34 46, ठीक है। तो इक्वल्स टू E7, सॉरी E7, D D7 माइनस माइनस E7 इक्वल्स टू -12 है, ठीक है। अगर हम इसी पे ही एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करेंगे, लाइक एब्सोल्यूट और ब्रैकेट बंद करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें हमेशा पॉजिटिव दिखाएगा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को वो पॉजिटिव ही दिखाता है। जैसे -12 का 12 दिखा रहा है। मान लीजिए अगर इसके बदले अगर 12 रहता तो देखते हैं इस पे क्या दिखाएगा। इक्वल्स टू एब्सोल्यूट, ये क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव नंबर वही देगा। एक बार और देख लेते हैं हम। इक्वल्स टू एब्सोल्यूट, मैं एक सेल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ इस बार, ठीक है। हम अभी तक तो कोई कुछ नंबर नहीं डाला तो इसलिए 0 दिखा रहा है, बट लेकिन हमने अभी 24 डाला तो ये 24 दिखाएगा। इसके बाद हमने -90 डाला तो 90 दिखाएगा। तो एब्सोल्यूट फंक्शन चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, ये हमेशा पॉजिटिव ही रखता है उसे, ये इस तरीके से काम करता है। अगला हम एक कंबाइन फंक्शन का देखते हैं, हम किस तरीके से वो काम करता है। ये कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने सबने सब सुना होगा, तो ये उसी की तरह काम करता है, कॉम्बिनेशन की तरह। जिस तरीके से कॉम्बिनेशन का हम यूज करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए इक्वल्स टू कंबाइन और हमें यहाँ पे दो, सॉरी कंबाइन में स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, ये होगा कंबाइन, एन नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, सॉरी लास्ट में। फिर उसके बाद दो नंबर चूज करने हैं हमें, ये और एक, तो ये दो सेल में चूज कर लेता हूँ, कॉमा डाल के दूसरा सेल भी, ठीक है। अभी तक तो वन है क्योंकि हम किसी का भी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वन ही आता है। अगर हम वन का भी कॉम्बिनेशन वन आएगा तो ये स्टार्टिंग में वन वन से ही स्टार्ट होता है कॉम्बिनेशन। मान लीजिए 5 लेते हैं इधर और इधर 2 लेते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 से 2 की वैल्यू 10 ही आएगी। या फिर कुछ भी नंबर रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं हम यहाँ पर, 4 4 4 कॉम्बिनेशन 2 6 ही आएगी। जब 4 एलिमेंट और 2 ग्रुप में उसे किस तरीके से डाल सकते हैं तो वो 6 कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं, ये उसका आंसर यही आएगा। आप चेक कर सकते हैं 4 से 2, और कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, 67 67 2 2 2211 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम कंबाइंड फंक्शन डाल करके हम किसी दो नंबर के कॉम्बिनेशन को हम पता कर सकते हैं एक्सेल में। आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन साइन के लिए मैं कहीं एक जगह मैं एंगल डाल देता हूँ, मैं एंगल्स कुछ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। इसमें 60, 45, 30, 90, 0, एक सेकंड ग्राफ में जो जो वो नहीं होता, सेकंड सेकंड फेज 122 180 डिग्री के बीच में वो भी डाल देते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी। तो और एक थर्ड भी डाल ही देते हैं 240। ठीक है, और फोर्थ भी डाल ही देते हैं 300। ये तो ये इस तरीके से तीनों कॉल चारों क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ नंबर हमने डाल दिया है। उसके बाद अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के किस तरीके से हम वैल्यूज हम एक्सेल में हम निकाल सकते हैं, हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए हम साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन में सभी को पता है कि कोई भी फंक्शन एक्सेल में इक्वल्स टू से साइन स्टार्ट होगा, देन फिर साइन लिखेंगे, देन फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद इनटू लगाएंगे, फिर उसके बाद पीआई लिखेंगे, पीआई पाई वो वाला पाई, फिर उस पे दो एक ब्रैकेट खुलने वाला एक बंद करने वाला हम दो लगाएंगे जो फंक्शन लिखते हैं, फिर उसे डिवाइड करेंगे 180 से। तो देखते हैं, तो आप देख सकते हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और √3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी, √3 1.73 होता है, मतलब इक्विवेलेंट टू कह सकते हैं 1.73। तो उसे हम डिवाइड करेंगे तो इतनी ही आएगी। और फिर उसके बाद साइन की वैल्यू एक और चेक करते हैं, साइन का साइन ये चेक करते हैं 300, 300 इंटू इंटू सॉरी पाई फंक्शन, पाई फंक्शन डिवाइडेड बाय 180। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू -0.866 ये आएगी। तो इसके बाद कॉस फंक्शन का देखते हैं, कॉस फंक्शन किस तरीके से करता है। कॉस इक्वल्स टू कॉस, बस इसमें सब कुछ सेम है, बस साइन की जगह कॉस डाल देंगे। उसके बाद अंदर नंबर में आप जो चाहे नंबर आप डाल सकते हैं, इनटू आई फंक्शन डिवाइड बाय 180। तो एक और हम चेक कर लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं कॉस का। कॉस 30 डिग्री इंटू पी आई फंक्शन डिवाइड बाय 180। तो कॉस 30 डिग्री भी √3/2 होता है, तो √3/2 की वैल्यू 0.866 आई ही आई, जैसे ऊपर ही आई थी। फिर दोबारा एक बार एक और कॉस का देख लेते हैं, कॉस इस बार 90 का देखते हैं। कॉस 90 इंटू पी आई डिवाइड बाय 180। तो कॉस 90, कॉस 90 था, कॉस 0 था वो। एक सेकंड में दोबारा करके देखता हूँ, कॉस 90 इंटू पाई डिवाइड
डिवाइड बाय 180, cos 90 शुड बी जीरो, बट ये आप देख सकते अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। फिर उसके बाद एक फिर हम टेन का भी देख लेते हैं एक बार, टेन बन 1045 डिग्री इंटू पाई डिवाइड बाय 180, इसमें भी सब कुछ सेम रहता है, बस कॉस की जगह टेन कर देंगे बस और कुछ नहीं, बाकी अंदर पूरा सेम रहता है। 1045 डिग्री इक्वल्स टू 1, सभी को पता होगा ये तो देख सकते हैं कि ये इसका भी बना है। एक और चेक कर लेते हैं टेन का, टेन 240 इंटू पी आई फंक्शन डिवाइड बाय 180, 240 की वैल्यू इट इज रूट 3 होगा तो 1.73 आ रहा है, तो देख सकते हैं आप। और एक लास्ट हम क्वाड का कर लेते हैं, बस क्वाड ये नंबर इंटू पी आई डिवाइड बाय 180, इसका इन्फिनिटी है क्या पॉट, इसमें कॉट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ठीक है। फिर इसके बाद हम एक और फंक्शन के बारे में बात करते हैं, इवन फंक्शन के बारे में। आप कुछ भी लिखेंगे जैसे कि इक्वल्स टू इवन फंक्शन, ये रो ये सेल चुन लेता हूं, अभी तो कुछ नहीं है तो इसलिए जीरो आ रहा है। फिर उसके बाद मान लीजिए 12 लिखता हूं तो इसमें 12 दिखाएगा, इसमें 14 लिखूंगा तो 14 दिखाएगा, अब इसमें 15 लिखूंगा तो सॉरी ऊपर वाला 15 लिखूंगा तो ये 16 दिखाएगा हमेशा, क्योंकि ये हम इवन फंक्शन है तो हमेशा ये इवन नंबर दिखाएगा और एक नंबर ऊपर दिखाएगा। मान लीजिए मैं अगर 67 लिखता हूँ तो 68 दिखाएगा, ये हमेशा एक नंबर ऊपर दिखाएगा अगर आप ऑड लिखेंगे। अगर आप इवन लिखेंगे तो एज इट इज सेम नंबर दिखाएगा, और मान लीजिए अगर आप -24 लिख रहे हैं तब तो वो क्योंकि नेगेटिव है बट लेकिन वो इवन है तो ये एज इट इज वही नंबर दिखाएगा। बट लेकिन अगर आप नेगेटिव और वो ऑड हो तो वो उसमें भी एक ऐड कर देगा, वैसे एक माइनस होगा वैसे तो वो नंबर जैसे कि 25 -26 तो वो एक नंबर और पीछे कर देगा, तो वो इस तरीके से इवन फंक्शन काम करता है। देख सकते हैं आप, तो गाइस अब हम करेंगे फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में। हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो जैसे कि 5 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 120 आएगा। फैक्टोरियल मतलब इस तरीके से कि जैसे 5 है तो वो अपने से नंबर से लेकर के 1 तक सम में मल्टीप्लाई करेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 120 आएगा, आप देख सकते हैं। और जैसे कि और उसके लिए किसी भी नंबर का हमें फैक्टोरियल जानना तो हमें एक्सेल में हम फैक्ट फंक्शन का यूज करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। इक्वल्स टू फैक्ट 5, तो आप देख सकते हैं फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 आएगा। किसी का भी आप देख सकते हैं, इक्वल्स टू फैक्ट 7 और 7 का फैक्टोरियल 5040 ही आएगा। इसके बाद हम करते हैं फ्लोर का, फ्लोर फंक्शन किस तरीके से काम करता है। फ्लोर का मतलब होता ही है जैसे कि फ्लोर मतलब कि नीचे वाला जो फ्लोर होता है ठीक है, जैसे कि तो वो अपने से एक नंबर कम दिखाता है, जैसे कि अगर 24.2 है तो एक नंबर कम करेंगे तो मतलब अपने से कम दिखाएगा, 24 दिखाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से फ्लोर काम करता है, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, इक्वल्स टू फ्लोर 4.2 सिग्निफिकेंस में 1 24 दिखाएगा ठीक है। और अगर हम इसके बदले अगर सिग्निफिकेंस में अगर 2 डालेंगे, सिग्निफिकेंस का मतलब है कि वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 2 तो खैर डिवाइड हो ही रहा है, 24 डिवाइड होगा तो
तो ये 24 ही लाएगा, जैसे 24.2.2, तो सबसे पास नंबर जो जो उससे नीचे है 24.2 से, तो वो कौन सा नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, ऑब्वियसली 24 है तो इस बार भी 24 दिखाएगा। बट लेकिन अगर अगर इक्वल्स टू फ्लोर 24.5.5 करके दिखाऊंगा तो ये 20 दिखाया, क्योंकि क्योंकि जो 5 से डिवाइड होने वाला नंबर है 24.5 से, सबसे पास में 20 है, तो इसलिए ये नीचे वाला दिखाता है। और सिग्निफिकेंस का मतलब डिवाइड है कि सबसे पास में 5 से डिवाइड कौन था, जैसे 24 डिवाइड बाई 1 तो 1 से डिवाइड कौन था, तो उस तरीके से उस टाइप 24 दिखाया उसने। तो इस तरीके से काम करता है फ्लोर का। अगर इसी के बदले अगर सीलिंग होता, सीलिंग का मतलब होता है कि ऊपर वाला, लाइक जैसे कि 24.5 कॉमा सिग्निफिकेंस में 5 रखूंगा, तो नीचे वाला 20 ऊपर वाला 25 है, तो इसका सीलिंग वाला 25 दिखाया, करके दिखाता हूँ मैं आपको। इक्वल्स टू सीलिंग 24.5.5, तो ये 25 दिखाएगा सीलिंग वाला। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इक्वल्स टू सीलिंग 26.4, सबसे पास जो 26 के है, जो 4 से डिवाइड, जो ऊपर वाले साइड में सीलिंग का मतलब ऊपर होता है, तो वो 28 आएगा आंसर। तो इस तरीके से सीलिंग काम करता है। इसके बाद पावर फंक्शन के बारे में देखते हैं, पावर किस तरीके से काम करता है। पावर इक्वल्स टू पावर, हमें किस नंबर का पावर चाहिए, मान लीजिए 5 का पावर चाहिए, 5:2 चाहिए हमें, तो 5.2 कर देंगे, तो इस तरीके से 25 आ जाएगा। किसी भी नंबर का पावर हमें चाहिए तो हम उसका लिख देंगे 7.3, तो आप देख सकते 343 ही आएगा 7 का पावर, 7:3। एक लास्ट फंक्शन एक और देख लेते हैं हम, स्क्वायर रूट फंक्शन। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए, मान लीजिए 4 का चाहिए स्क्वायर रूट 4, तो स्क्वायर रूट का सबको पता है कि 2 आएगा। अब मान लीजिए स्क्वायर रूट 125 का चाहिए, तो ये इसमें दिखाएगा, डेसिमल में दिखाएगा 11.18। ये इस नंबर को आप करेंगे इसी नंबर से मल्टीप्लाई, तो 125 आएगा। तो गाइज इतना ही इस लेक्चर में।